हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वीट रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे पेड़ा बिल्कुल गैस चलाए बिना। हम इसका गैस में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पे हमें मावा की भी ज़रूरत नहीं है और दूध की भी ज़रूरत नहीं है और हमें चाशनी की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये रेसिपी आपकी बिल्कुल ही आसान और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी आपकी बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। सो गाइस, चलो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर करना आपको अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी का जार। तो मिक्सी के जार में मैंने मेजरमेंट लिया है यहाँ पे चीनी का। तो आपने देखा है मैंने मीठा कम ही रखा है और मीठा कम ही रखना चाहिए क्योंकि हम ये बिना आज मलाई के बनाएंगे और बिना चाशनी के, तो हमें चीनी कम ही रखना है। यहाँ पे हमने 7-8 काजू ले लिए हैं। हाँ, वैसे तो हम इस पे 5 काजू भी डाल सकते हैं, 10 भी, जितना आपकी रिकॉर्डिंग है आप उतना डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 काजू ही यूज़ किए हैं। तो आप चॉइस कर सकते हैं, आपको बादाम चाहिए तो आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं तो बस। और हम इसी में यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट, इसको नारियल का बुरादा भी बोला जाता है, और ये मेरे पास पैकेट वाला था और इजीली आपको ये मार्केट से मिल जाएगा। तो ये था थोड़ा सा मोटा और हमें इसको बिल्कुल फाइन बारीक बनाना है। तो बस हम इसको भी इसी के साथ इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो बस मैंने जितना चीनी लिया है उतना ही मैंने कोकोनट भी लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, हमने इसको कर लिया है मिक्सी में अच्छे से, बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह बना दिया हमने, देखिए इसको। और जो इसके अंदर हमने कोकोनट का पाउडर डाला है और चीनी डाला है और काजू डाले हैं, तो अच्छे से बिल्कुल ही फाउन पाउडर बनके हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो देखिए, बिल्कुल ही अच्छे से फाइन पीस चुका है ये। तो देखिए, ऐसा हमारा ये पाउडर बनके तैयार होना चाहिए। तो इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी, मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ये 2 बड़ी चम्मच है, 2 बड़ी चम्मच, आप समझ गए हमारा छोटा चावल। और इसी में मैंने डाला है इलायची पाउडर, छोटी सी चम्मच जो मेरे हाथ में है, मैंने बस इसी से इलायची का पाउडर लिया है ताकि हमारा जो फ्लेवर है उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी हमारी ये बर्फ़ी। आप चाहे तो इसमें गुलाब का जल भी डाल सकते हैं और चाहे आप इसमें केवड़ा एसेंस भी होता है हमारा, आप उसको भी यूज़ करते हैं तो हमारा वो फ्लेवर के लिए बेटर होता है। तो गाइस, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है। तो इसके बाद का हमारा प्रोसेस है यहाँ पे, आज हमें मलाई का यूज़ नहीं करना, हमें दूध का यूज़ करना है। तो आपके सामने मैंने लिया है रूम टेम्परेचर दूध। आपको पता है दूध ना गर्म होना चाहिए आपका ना ठंडा होना चाहिए, मतलब कि मीडियम जैसा हो, जिससे कि हम अच्छे से हमारा जो बैटर है अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आप दूध को आराम आराम से, धीरे धीरे से, जितना हमें ज़रूरी है, जैसे कि हमारा एक डो तैयार हो जाएगा, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, तो वैसे ही हमें इसको एक डो की तरह तैयार करना है। और दूध आप उसी हिसाब से डालना थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमने जो चीनी डाली है उसके बाद ये मॉइस्चर छोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो दूध हमें उसी अकॉर्डिंग से डालना है जितना हमें यूज़ करना है। तो बस जैसे कि हमारे पेड़े बनके बिल्कुल ही सॉफ्ट अच्छे से तैयार हो जाए। तो बस मैंने जितना दूध था मैंने सारा ही मेरा इसमें डल गया है। तो आप जितना भी आपका मेज़रमेंट होगा, मैंने जिस हिसाब से मेज़रमेंट लिया है आप इसी हिसाब से मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो बस मैंने इसको अच्छे से हाथों से इसको आपने हल्के हाथों से, मसाला नहीं है, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है आपको, जिससे कि आपका जो दूध, चीनी, इलायची पाउडर, हमने काजू का जो पाउडर डाला है और हमारा जो कोकोनट पाउडर है हमने जो डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बस हल्के हाथों से इसको बाइंड करना है, हमने मिक्स करना है इसको। तो बस देखिए, हमने इसको आटे की तरह गूंदना नहीं, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना वैसे नहीं गूंदना हमें, जो हमारी चीनी है, नहीं तो वो मॉइस्चर छोड़ना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पे क्या है, हमने घी का भी यूज़ नहीं किया है। तो देखिए, बस ये एक डो की तरह तैयार हो गया, हमने बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं किया। बस अगर हमें इसके पेड़े बनाने हैं, छोटी छोटी पेड़ियाँ हम बनाएँगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हाथ पे घी को ग्रीस कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं एक ही बार में। और बीच बीच में जब भी आप ये पेड़े बनाएंगे तो थोड़ा इसमें हमने दूध ऐड किया है और चीनी भी है, तो हल्की सी चिपचिपाहट छोड़ता है, तो बीच में एक दो बार आप हाथ भी धो के फिर अच्छे से हाथ को साफ़ करके फिर बिल्कुल फाइन से पेड़े तैयार करना। तो देखिए, हमारे तो पेड़े फटाफट से सारे रेडी हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉल लगाया है, आप सिल्वर पेपर है आपके पास लगा सकते हैं, चांदी की वर्क भी बोलते हैं इसको, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पेड़ा वैसे भी बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही इसका जवाब
ही कुछ अलग था, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई बनी है, बहुत ही टेस्टी। तो हमने यहाँ पे, मेरे पास टूटी फ्रूटी थी हल्की सी, और मैंने यहाँ पे काजू की कतरन लगा दी है छोटे छोटे पीसेस कट के। अगर आपके पास बादाम है आप बादाम भी लगा सकते हैं, पिस्ता है तो पिस्ता भी आप लगा सकते हैं। तो जो भी आपके पास डेकोरेट के लिए घर में सामान अवेलेबल होता है आप उसी को लगा सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका लुक, एट दिस बहुत ही सुंदर लुक आया है हमारी मिठाई का। आप सच मानिए देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और रक्षाबंधन पर आप इस रेसिपी को ज़रूर बना सकते हैं, खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, और अपने भाई के साथ अपना रक्षाबंधन स्पेशल बनाइए। तो गाइस आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।